सुभद्रा और दर्शकों, आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक के सुर्खियों पर। जमशेदपुर के साथी बाजार में चला जिला प्रशासन का बुलडोजर, आए दिन बढ़ रही जाम की समस्या को लेकर चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। आपसी विवाद में सीताराम मेरा थाना के कल्याण नगर में एक ही परिवार के लोग आपस में भिड़े, दो गज जमीन को लेकर हुआ था विवाद। और साक्षी गोलचक्कर के सामने मूल निवासी संघ के द्वारा केंद्र सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ किया गया जोरदार विरोध प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान जमशेदपुर के साक्षी बाजार में चलाया गया और इस दौरान साक्षी बाजार व मुख्य मार्ग के आसपास फुटपाथ में लगने वाले दुकानदारों के कारण अतिक्रमण के वजह से बाजार में जाम की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, जिसके कारण आए दिन जाम लगा रहता था, जिसकी सूचना प्रशासन को मिल रही थी, जिसके आधार पर यह अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। तो फुटपाथ को हटाया जा रहा है कि जो झांकी को बांधा ऊपर में प्लास्टिक भी खोलवा रहे हैं आप लोग, कोई कंप्लेन मिला था आप लोगों को? थाना से वहाँ फोन से फुटपाथ में अभी हम लोग को जैसे लगाने का है, थोड़ा बहुत प्रशासन तरफ से फिलो है कि हम लोग को दुकान लगाने दे रहे हैं, छूट है, लेकिन यहाँ पर कुछ दुकानदार ऐसे हैं कि हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर ही जैसे रोड जाम हो जा रहा है, ये हम लोग आठ महीने से भूखा प्यासा है, हम लोग एक टाइम खाना भी ये नहीं हो रहा कि हम लोग इतना इनकम ही नहीं हो रहा कि हम लोग खा सकेंगे, हम लोग 200-250 रुपये डेली बचता है, उसमें क्या परिवार चलेगा, बच्चा का पढ़ाई है, जैसे स्कूल फीस नहीं दे सक रहे हैं, यहाँ पर ऐसा हो रहा है हम लोग साथ में। प्रशासन क्या कर रहे हैं? प्रशासन क्या कर रहा है, बोले दुकानदार लोग रोड में रोड जाम हो रहा है, हम लोग तो दायरे से लगाते हैं, दो करोड़ में दुकान लगाते हैं, उससे ज़्यादा लगाते नहीं हैं, हम लोग तो दायरे पे दुकान लगा रहे हैं, रास्ते में गाड़ी भी कार भी, यहाँ तक कार भी पार हो जाता है, कार वालों को भी कंप्लेन नहीं है, कोई बाइक वाला कंप्लेन नहीं है, हम लोग आराम से जाने देते हैं, किसी को भी कभी यहाँ पर लफड़ा हुआ भी नहीं। कितने दुकानदार होंगे यहाँ तुम? हम लोग यहाँ पर दुकानदार तो मतलब यहाँ से उधर दुकान है, अभी हम लोग 300-400 दुकानदार लगता है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? हमारा नाम भोलू हुआ है। और उधर आपसी जमीनी विवाद में सीताराम नेरा थाना क्षेत्र के कल्याण नगर में एक ही परिवार के लोग आपस में भिड़ गए। इस मामले में एक पक्ष की महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। का सब एग्रीमेंट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक कार्ड सब प्रूफ है, हम वो घर का सब दाना उना खा रहे हैं, हम घर में नहीं रहे हैं, तो हम अपना मेहरारू का जो है मर गया लड़का जो है दवा इलाज करने खातिर गया, तो वो जो है क्या किया कि हमारे घर में उसी समय जो है हम लोग गाँव में अपना जो है था, हमारे घर में जो है चोर के भांति जो है घर पर घुस गया, आ घुस जाने के बाद से जो है अभी जो है वहाँ जो है मुखिया के, सरपंच के, गुंडा के बुला के ला रहा है, बोल रहा है कि ये घर हमारा बनवाया हुआ है। कौन लोग घुस गया था? राज बालम यादव। अच्छा। जो कि हमारा बी ब्लॉक का जो है सब कुछ जो है प्रूफ है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक कार्ड है, रोड नंबर है, सब कुछ है, हम लोग का जो है सब प्रूफ रहते हुए हम लोग अधूरा घूम रहे हैं, थाना में पुलिस में जाते हैं, हाई केस कर देते हैं, तो अभी गाड़ी भेज देते हैं, उससे कुछ हमारा होता जाता नहीं है, एसपी के लगे भेज दिया, डीएसपी के लगे चले गया, यही में हम लोग जो जिंदगी आज 3 साल से हम लोग गुजार रहे हैं, अरे कोई 1-2 महीना जो है अपना जो है झगड़ा लड़ाई समाप्त करता है, हम लोग घर पर जाते हैं तो बड़े बड़े गुंडा बदमाश को जो है लिया कर हम लोग को पिटवाता है, हम लोग जो है कितना बार जो है एमजीएम में आया, भर्ती हुआ, हमारा कोई केस मुकदमा जो है सुनवाई नहीं हो रहा है, इसके लिए जो है हम दर दर भटक रहे हैं, हम लोग पढ़ा लिखा नहीं है, हम लोग कानून नहीं पढ़ा है, कानून का जो है कोई मतलब ऐसी नहीं है, हम लोग गन्ना मशीन चला के यहाँ घर द्वार सब कुछ बनाया, यहाँ जो है हम लोग का गन्ना मसीह ये हम लोग का जो है रिश्तेदार है, हम लोग का बोलता है क्या कि ये घर हमारा है। इस बोर्ड पर हम गए थे, पहला नंबर के लिए हम लोग बड़ा बहुत नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, क्या कोई ये बता दो यहाँ की वहाँ ये सब लड़का ले जाके घर पर मारपीट किया था। अच्छा है, इसीलिए इसको चोट लगा है। कितना लोग घायल है? घायल तो इधर से अभी यही एक है। और कहाँ का मामला है? कल्याण नगर। और क्या चीज को लेकर हुआ था झगड़ा? पूर्व में इन लोग का जमीन का विवाद चल रहा है। अच्छा, जमीन की विवाद को लेकर। हमारा अपना घर है। एक मिनट, क्या आपका बिल जो है वो बलबस्ती हमारा एक मिनट रह रहा है। क्या नाम है जिसको चोट लगा? पुलिस दुनिया
जहाँ बहुत जो है दौड़ चुके हैं। मन्नू यादव के फोटो है। अच्छा, क्या चीज से मारा है उसको? सब वही लाठी डंडा से मारा है। मिला वहाँ कितने लोग मारा पता है? हमारे साथ कर रहा है। अब वहाँ हम गए तो लोग बता रहा था कि 10-15 लड़का था सब। और वही साक्षी गुलचंदर पर मूल निवासी संघ के द्वारा केंद्र सरकार की शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां संघ के सदस्यों ने बताया कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और ओबीसी को कोई लाभ नहीं होगा। सरकार सामंतवादी व्यवस्था को बहाल करना चाहती है। आज हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को उपायुक्त महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन हम लोग सौंपने जा रहे हैं, जिसमें अब जो सरकार आई है नए शिक्षा नीति लेकर के, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। नए शिक्षा नीति में हमारे एसटीएससी ओबीसी के जो साथी हैं या बच्चे लोग हैं, आने वाले दिन में इन लोगों को पढ़ाई शिक्षा से कोसों दूर रहेंगे। और सरकार जो नीति, नई शिक्षा नीति लाई है, उस नीति से हमारे एसटीएससी ओबीसी वाले छात्र लोग कभी भी नहीं हो पाएंगे। इससे आने वाले दिन में अशिक्षा की ज़्यादातर बढ़ोतरी होगी देश में, और देश में असमानता होगी, जिसके चलते आने वाले दिन में बेतहाशा हमारे अशिक्षा के लोग बढ़ेंगे और उस पर कभी भी हमारे बच्चे लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत बास्के, मैं मूल निवासी संघ प्रदेश। और खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज्जा, कुकीज, ऑल टाइप्स ऑफ केक, ऑल टाइप्स ऑफ स्नैक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता, मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया धतकड़ी, जमशेदपुर। फोन नंबर 9593760653, 6297318081।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर से सटे चांडिल क्षेत्र में बीते 5 दिनों से चले आ रहे भुयाडे स्थित रिनोविजन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रबंधन और कामगारों के बीच विवाद सोमवार को समाप्त हो गया, जहां डीएलसी कार्यालय में दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति के तहत बोनस, न्यूनतम मजदूरी व पहचान पत्र सहित वेतन से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान हुआ। 4-5 दिन पहले से रिनोविजन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड भुयाडी चांडिल में मजदूरों द्वारा आंदोलन चल रहा था। विभिन्न तरह का मांगे था, बोनस, पेमेंट वृद्धि, जो भी मांगे था। आज डीएलसी ऑफिस जमशेदपुर में वार्ता हुई। वार्ता में बोनस भी इन लोगों को मिलेगा, पेमेंट में जो न्यूनतम मजदूरी वो भी मिलेगा। पूजा से पहले इन लोगों का बोनस, जो भी बोनस का पेमेंट है, वो इन लोगों के अकाउंट में चल जाएगा और खुशी से लोग त्यौहार मनाएगा अपना परिवार के साथ। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के बागबड़ा स्थित माई दरबार सेवा संघ के द्वारा दुर्गोत्सव के मौके पर पंडालों में छोटे छोटे रूप में ध्वनि विस्तारक यंत्र इस्तेमाल किए जाने की अनुमति जिले के उपायुक्त से मांगी गई है और इस संबंध में उन्होंने एक मांग पत्र उन्हें सौंपा। हम लोग डीसी महोदय के सामने समक्ष कार्यालय के समक्ष आए हैं माई दरबार सेवा संघ के माध्यम से, माताओं बहनों की बातों को रखने आए हैं कि जो हमारी माताएं बहनें व्रतधारी हैं, आम जनमानस है, इस वैश्विक महामारी में भी घरों में रह के पूजा पंडालों के माध्यम से ध्वनिक विस्तारक यंत्र लगाने की अनुमति डीसी साहब महोदय दें, ताकि वो घर में बैठ के भी पंडित जी के द्वारा माता की स्तुति जो है वो सुन सके और पूजा का माहौल, जिस तरह से पूजा का माहौल बने वो बना रहे। और डीसी महोदय से हम लोग चाहते हैं कि इस वैश्विक महामारी में सभी पंडालों के द्वारा अपनी अपनी सुरक्षा का इंतजाम भी किया गया है, जैसे कि बागबड़ा की हमारी इकाई है, उन्होंने भी सैनिटाइजर मास्क की व्यवस्था भी की है और इस ध्वनि के माध्यम से कम एक वातावरण भी बनेगा और छोटे स्तर से ही हो लेकिन जरूर हो। हम लोग ये मांग किसी मुद्दे को रख रहे हैं। पूरा नाम बता दीजिए जी। पूरा नाम बता। मेरा नाम जितेंद्र सिंह। और चलते चलते एक नजर खबर, जमशेदपुर के साक्षी बाजार में चला जिला प्रशासन का बुलडोजर, आए दिन बढ़ रही जाम की समस्या को लेकर चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। आपसी विवाद में सीताराम नेरा थाना के कल्याण नगर में एक ही परिवार के लोग आपस में भिड़े, 2 गज जमीन को लेकर हुआ था विवाद। और साक्षी गोल चक्कर के सामने मूल निवासी संघ के द्वारा केंद्र सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ किया गया जोरदार विरोध प्रदर्शन। तो आज के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।